Good morning, students. As you know, we are continuing with our exercise 9.3. Right? In this exercise, we are representing the data with the help of pictograph. इस exercise में जो है बेटा हम क्या कर रहे हैं, हम data को represent कर रहे हैं किसकी help से, pictograph की help से. Right? So, once again, what do you mean by pictograph? Pictograph होता है, a pictograph is a graph that shows numerically information using pictures, symbols or icons to represent the data. Right? Clear? Pictograph क्या होता है? एक graph होता है जिसमें आप क्या shows करते हो? Numerical information. मीन्स न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन मीन्स जो इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है वो किस फॉर्म में गिवन है, नंबर्स की फॉर्म में. और आप उन नंबर्स की फॉर्म को कैसे रिप्रेजेंट करते हो, विद द हेल्प ऑफ पिक्चर, सिंबल, आइकन. राइट, नाउ आफ्टर दिस लेट स्टार्ट विद द एक्सरसाइज. सी यस्टरडे वी हैव डन K4 एंड S1 विच आई गिव यू एज अ होमवर्क. Now, let's start with the first K1 part. So, देखो इसमें आपको क्या करना है, the number of students in 5 classes in a school are given below. Draw a pictograph to represent the data. यहाँ पे आपको 5 classes and number of students given है. आपको ये क्या करना है, data represent करना है pictograph की help से. So, now आप कैसे करोगे उसको, देखो जैसे हमने फ्रीक्वेंसी टेबल थी वहाँ पे हमने 3 लाइंस को ड्रॉ किया था. सेम इसमें क्या थी, फर्स्ट जो आपकी लाइंस थी वो क्या रिप्रेजेंट कर रही थी, कैटेगरी, सेकंड टेलीमार्क्स एंड थर्ड वन फ्रीक्वेंसी. राइट, नाउ इन पिक्टोग्राफ आल्सो वी विल मेक 3 कॉलम्स. देखो यहाँ पे तो 2 ही हैं बट हम थर्ड भी करेंगे क्योंकि हमें नंबर्स को भी रिप्रेजेंट करना है. राइट, तो जो आपकी टेबल गिवन है आपको दैट विल बी लाइक दिस. फर्स्ट गिवन टेबल है आपकी, फर्स्ट कैटेगरी क्लास एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. देखो ये तो आपको ऑलरेडी गिवन है. राइट, तो आप नोटबुक में क्या करोगे बेटा, फर्स्टली नोटबुक में जो गिवन टेबल है आपको आप ये ड्रॉ करोगे. हाउ मेनी क्लासेस, 1, 2, 3, 4, 5 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, 50, 60, 40, 30 and 50. क्लियर, आप इसको स्केल की हेल्प से लाइंस जो हैं वो प्रॉपरली अरेंज करोगे. देखो मेरी लाइंस में भी प्रॉपर नहीं है बेटा, बिकॉज आई एम ड्राइंग द लाइंस विद द फ्री हैंड. फ्री हैंड मीन्स मैं कि मैं कोई स्केल यूज़ नहीं कर रही हूँ, बट आपको क्या करना है, आपको स्केल यूज़ करना है. देखो यहाँ पे ये जो 5 है दैट विल कम हियर. अब हम क्या करेंगे, अब हम इस डाटा को रिप्रेजेंट करेंगे पिक्टोग्राफ पे. नाउ लेट मी ड्रॉ अ टेबल. सो फर्स्ट कैटेगरी आप क्या लिखोगे, क्लास. राइट, आफ्टर दैट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. अब इसके बाद जो नंबर वाला कॉलम है बेटा वो आपकी चॉइस है. अगर आप ड्रॉ करना चाहते हो तो यू कैन ड्रॉ, एंड इफ यू डोंट वांट नो नीड टू ड्रॉ दैट. उसके बिना भी आपका काम चल जाएगा. पिक्टोग्राफ में सिंपली क्या है, नाउ विद क्लास 1, आपकी क्लास 1 में कितने बच्चे हैं, 50. तो अब आप ये चेक करो, देखो सब में 50, 60, 40, 30, 50, इन सब के लास्ट में क्या है, 0 है. अब 0 है इट मीन्स क्या है, ये 10 के मल्टीपल्स हैं. तो अगर हम ये करें कि जो एक चाइल्ड का आइकन है, राइट लाइक दिस, वो 10 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, हम ये कर सकते हैं ना. देखो जैसे आपका ये बुक्स वाला क्वेश्चन था कि एक जो बॉक्स है वो 5 बॉक्सेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. डाटा में आपको क्या करना है, आपको ये नहीं कि आप यहाँ पे 15 स्टूडेंट्स को ड्रॉ करोगे, नहीं,
मेनली पिक्टोग्राफ में क्या काम आ रहा है बेटा, कि हम एक पिक्चर से कितनी चीज़ों को शो कर सकते हैं। सो फर्स्ट क्लास में जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं, 50। सो कितने ड्रॉ करने हैं, 5, 10 5s are 50। आप कोई भी सिंबल यूज़ कर सकते हो। देखो, अगर आपको ड्रॉ करना आता है ह्यूमन बॉडी, यू कैन ड्रॉ, राइट? हो गई। नाउ सेकंड वन, 60 डिवाइड बाय 10, व्हाट कम, 6। टू, थ्री, 4, 5, 6। क्लियर हो गए आपके 6 स्टूडेंट्स? 6 मीन्स 60। नाउ थर्ड क्लास, हाउ मेनी, 40। अच्छा, 40 के लिए आप कितना वो करोगे बेटा, 4, 2, 3, 4, राइट? नाउ फोर्थ क्लास, 30 डिवाइड बाय 10, 3, 1, 2, 3। नाउ आफ्टर दिस क्लास फिफ्थ, इन फिफ्थ क्लास हाउ मेनी आर देयर, 50। नाउ डिवाइड 50 बाय 10, हाउ मेनी कम, 5। सो हाउ मेनी वी हैव टू ड्रॉ, 5, 1, 2, 3, 4 and 5, right? After that one, closing line. And see, जो मैंने यहाँ लिखा है आप उसको क्या लिखोगे, आप उसको टेबल में ही इंक्लूड करोगे। Either you will draw it there, एक कॉलम बनाओ जिसको लिखो equals to 10 students, राइट? इससे आपका क्या है बेटा, इससे आपका डाटा करेक्ट होगा। अगर आप ये लाइन नहीं लिखेंगे तो वो क्या काउंट करेंगे हम, कि ये जो सिंगल है सिंगल चाइल्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आपने फर्स्ट क्लास में कितने किए, 1, 2, 3, 4, 5, राइट? तो जिस भी बेसिस पे, जैसे हम ग्राफ में करते थे, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, जैसे हम ग्राफ में करते थे बेटा, वन लाइन्स को अपने अकॉर्डिंग अरेंज करते थे, राइट? सेम प्रोसेसर आपका पिक्टोग्राफ में है, आप नंबर्स को इस तरीके से डिवाइड कीजिए कि आप लेस फिगर के साथ मोर नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकें। अगर मैं यहाँ पे 20-20 का गैप लेते सिंगल चाइल्ड में, तो 20 के साथ आपका सिर्फ क्लास थर्ड और सेकंड के बच्चे रिप्रेजेंट कर सकते थे। फर्स्ट, क्योंकि 50 तो आता ही नहीं 20 के टेबल में, राइट? तो फर्स्टली आपको इस तरीके से अरेंज करना है। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट, कि आपको नंबर्स को ऐसे रिप्रेजेंट करना है कि वो क्या हो, मल्टीपल्स आए, राइट? नाउ K2 क्वेश्चन, द नंबर ऑफ एब्सेंटीज इन अ स्कूल ड्यूरिंग अ वीक आर गिवन बिलो, ड्रॉ अ पिक्टोग्राफ टू रिप्रेजेंट द डाटा। सो नाउ फर्स्टली लेट्स ड्रॉ द टेबल ऑफ द एब्सेंटीज मंडे, और यू कैन राइट डेज। फर्स्टली बेटा हमें कैटेगरीज डिसाइड करनी होती है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, डेज, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और यू कैन राइट नंबर ऑफ एब्सेंट, नंबर ऑफ एब्सेंटीज। सो फर्स्टली हाउ मेनी डेज, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, देन थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, राइट? ये आपकी टेबल है। नाउ नंबर ऑफ एब्सेंटीज, मंडे 40, ट्यूसडे 35, वेडनेसडे 25, थर्सडे 15, फ्राइडे 20 एंड सैटरडे 30। अब देखो आपको क्या चेक करना है, कि फर्स्टली हम चेक करते हैं कि हमारा हाईएस्ट नंबर कौन सा है जिससे हम सभी नंबर्स को रिप्रेजेंट करें।
राइट। सो देखो, अगर आप 10 लेते हो तो यहाँ पे जो है 15 भी है, 25 भी और 35 भी है। सो हम क्या कर सकते हैं, हम 5 ले सकते हैं कि आपका जो एक चाइल्ड है वो कितने चाइल्ड्स को, कितने एब्सेंटीज को रेफर करे, 5 को। राइट, सो हम टेबल ड्रॉ करते हैं बेटा। कैटेगरीज डेज, आफ्टर डेज दिस विल बी नंबर ऑफ एब्सेंटीज, नंबर ऑफ एब्सेंटीज। राइट, नाउ डेज मंडे, एंड मंडे हाउ मेनी, 40। सो अगर आपका वन चाइल्ड जो है वो 5 को रिप्रेजेंट करेगा तो 40 को कितने चाइल्ड रिप्रेजेंट करेंगे, 40 डिवाइड बाई 5, 8। सो हाउ मेनी चाइल्ड वी हैव टू ड्रॉ, 8। सो देखो बेटा, ये ज़रूरी नहीं है कि जो डाटा, जिस पिक्चर की हेल्प से मैंने डाटा को रिप्रेजेंट किया है, आप सेम पिक्चर की हेल्प से रिप्रेजेंट करो। अगर आप कंप्लीट चाइल्ड की पिक्चर जो है वो ड्रॉ कर सकते हो, दैट इज़ वेरी गुड, यू कैन ड्रॉ दैट ऑल्सो, राइट। बट जो ये नंबर ऑफ एब्सेंटीज हैं या डाटा में जो आपको न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन गिवन है वो चेंज नहीं होनी चाहिए आपकी। सो 4, 5, 6, 7, 8, राइट, ऑन ट्यूसडे 35। सो फॉर 35 डिवाइड बाय 5 हाउ मेनी, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, राइट, ये हो गया आपका ट्यूसडे का, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। नाउ फॉर वेडनेसडे, हाउ मेनी ऑन वेडनेसडे, 25। सो 25 मीन्स कितनी ड्रॉ करनी है आपको, 5, 1, 2, 3, 4, 5, क्लियर। नाउ आफ्टर वेडनेसडे व्हाट कम्स, थर्सडे, ऑन थर्सडे हाउ मेनी बेटा, 15। सो फॉर 15 हाउ मेनी वी हैव टू ड्रॉ, 3, 1, 2, and 3, राइट। आफ्टर थर्सडे फ्राइडे, 20 डिवाइड बाय 5, 4, 1, 2, 3, 4, राइट। नाउ आफ्टर फ्राइडे सैटरडे, 30 डिवाइड बाय 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, राइट। तो ये क्या हो गया आपका कंप्लीट पिक्टोग्राफ। नाउ अब आपको क्या करना है, आपको शो करना है कि जो ये कंप्लीट वन चाइल्ड आपने ड्रॉ किए, वन फिगर, ये कितने एब्सेंटीज को शो करता है, 5 एब्सेंटीज। देखो जो आपका यहाँ पे जो आपने टॉपिक दिया है एब्सेंटीज, तो आप यहाँ पे भी एब्सेंटीज ही लिखोगे, आप यहाँ पे चिल्ड्रंस नहीं लिखोगे, राइट। सो वन जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपके 5 एब्सेंटीज को, राइट। एंड हेयर ऑल्सो यू हैव टू ड्रॉ द टेबल, ठीक है। With the help of this, this is the way to draw the pictograph. Now, key third, the number of bikes produced by a company in 4 different years are given below. So, draw a pictograph. अब हमें जो पिक्टोग्राफ ड्रॉ करना है बेटा, वो किसके बेसिस पे करना है, ईयर के बेसिस पे। सो और देखो इन्होंने क्या किया है, बाइक प्रोड्यूस की है, तो आपको जो लिटिल बिट डाटा है वो किससे रिलेटेड होना चाहिए, बाइक से, राइट। सो फर्स्टली हम टेबल ड्रॉ करते हैं, ईयर, नंबर ऑफ बाइक्स,
राइट। नाउ देर आर फोर ईयर्स गिवन, फर्स्ट 2010, इन 2010 200 नंबर ऑफ बाइक्स, इन 2011 300, इन 2012 350, एंड 2013 हाउ मच, 450 बाइक्स वर प्रोड्यूस। सो देखो, अगर यहाँ पे 200 300 था तब तक तो बेटा बहुत इजी था कि हम 100, एक फिगर को हम 100 के इक्वल रखते और आपको टू या थ्री फिगर्स ड्रॉ करनी है। बट नाउ देयर इज 350 एंड 450, तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं कि एक जो आपका पिक्चर होगी वो 50 को रिप्रेजेंट करेगी। राइट राइट। नाउ फर्स्टली जो आपकी फर्स्ट हेडिंग आएगी बेटा, दैट इज ईयर, आफ्टर दैट नंबर ऑफ बाइक्स, नंबर ऑफ बाइक्स। राइट, आप देखो आपका जो ईयर है, फर्स्ट ईयर क्या गिवन है हमें, 2010 हाउ मेनी 200, सो 200 को 50 से डिवाइड करो बेटा, 4। राइट, सो हम बाइक के लिए देखो, कंप्लीट बाइक नहीं ड्रॉ करोगे आप, एक हल्का सा स्लाइटली हम एक टायर की फॉर्म में ड्रॉ करेंगे, क्योंकि पिक्टोग्राफ क्या है, वो आपको प्रॉपरली रिप्रेजेंट करना चाहिए, हमारे जो न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन है वो सेम होनी चाहिए, आप फिगर कोई भी यूज़ कर सकते हो। सो हाउ मेनी, 4 2 3 आफ्टर दैट 4 हाउ मेनी टायर्स, 1 2 3 4, सो 50 मल्टीप्लाई 4, तो यहाँ पे आप ये भी कर सकते हो, 1 will represent how many beta equals to 50 bikes, right? This one represent 50 bikes. So now 2011 300, 50 को 300 से करो 6, सो अब हम क्या करेंगे, 6 टायर्स ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4, after that 5, 1 2 3 4 5, how many we have to draw, 6, 2 3 4 5 6, right? So how many in 2011, 1 2 3 4 5 6, 50 multiplied with 6, 300. Now 2012 350, so 350 को 50 से डिवाइड करो, 7, राइट, कितने ड्रॉ करने हैं आपको, 7, 2012 तो ड्रॉ 7, 1, सी आपको सेम उसमें सर्कल होने चाहिए बेटा, 2 3 4 5 6 then 7, right? So these 7 represent 350. Now 450, 450 को डिवाइड करो 50 से, 5 9 जा, देखो जहाँ भी आपको ये लगे कि अब अगर यहाँ पे 480 होता, राइट, सो वो 50 से डिवाइड नहीं हो सकता, इट मीन्स जो मेरा कंप्लीट ग्राफिकल है वो रॉन्ग है। आप ये नहीं कर सकते कि फर्स्ट लाइन के लिए आप एक फिगर ले रहे हो और वो उसको रिप्रेजेंट करिए 100 को, नहीं, आपको क्या करना है बेटा, आपको कंप्लीट उसमें एक ही फिगर लोगे आप और इक्वल नंबर में डिस्ट्रीब्यूट करोगे उसको, राइट, जैसे ये 50 बाइक्स हैं, एक सर्कल प्योर जो है वो 50 में। नाउ 2013
50 से डिवाइड करो, 9. नाउ 1 2 3 4 5 6 7 8 and then 9. राइट. सो देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9. सो 150 को कर रहा है तो 9 आपके कितने को करेंगे, 450 को. सो क्लियर. आपको इस तरीके से बेटा पिक्टोग्राफ रिप्रेजेंट करना है. बट देखो यहाँ पे जो मैंने लाइन की शॉर्टेज की वजह से, बट आप नोटबुक में इसको प्रॉपरली स्केल और पेंसिल की हेल्प से ड्रॉ करेंगे. राइट. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर की 4. दिस वी हैव ऑलरेडी डन. Now come to K5. In this questions, now see complete table. I already told you yesterday. I told that how you will collect this data, right? So now we are answer the question. First question is, what is the key for the pictograph? So now see beta. मैंने कल आपको ये बताया था ना, ये डाटा यहाँ पे जस्ट थोड़े से स्लाइटली चेंज है आपका, तो इससे आपका कंप्लीट ही चेंज हो जाएगा. डॉट देखो, जो आपकी ये वन बुक है ये आपके 10 को रिप्रेजेंट कर रही है. यहाँ पे ये हाफ बुक ड्रॉ की गई है. सो ये जो हाफ हाफ हैं ये किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, 5 को. राइट. और ये वन बुक जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, 10 को. सो 1 2 3 4 5 50 एंड प्लस 5, हाउ मैनी, 55. ज्योग्राफी 1 2 3 4 5 6 7 8 80 प्लस 5, क्योंकि ये हाफ है. सो 85. नाउ साइंस 1 2 3 4 5 6 10 6 16. नाउ फॉर सोशल स्टडीज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 are 90. मैथ्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 multiply by 10 110. राइट. सो नाउ लेट्स, वट इज़ द की ऑफ पिक्टोग्राफ. देखो बेटा की मीन्स कि आप किस पिक्चर की हेल्प से उसको रिप्रेजेंट कर रहे हो. सो की क्या है यहाँ पे, एक बुक है आपकी, राइट. ये जो बुक है आपकी ये कितनी बुक्स को रिप्रेजेंट कर रही है, 10 बुक्स को. और जो हाफ वाली स्मॉल में बुक है आपकी, सी दिस इज नॉट प्रॉपरली ड्रॉ, यू विल ड्रॉ इट योर सेल्फ. जो ये बुक है आपकी ये कितनी बुक्स को रिप्रेजेंट कर रही है, 5 बुक्स को. राइट. Now B part, for which subject are there 85 books in the library? So देखो 85 books किस subject के लिए हैं, geography. Sorry for that book printing. इस question को बट हम ऐसे ही करेंगे, जो half represent कर रहा है वो 5 books को कर रहा है और जो complete books है वो 10 books को represent कर रही है. Now Which two of the subject have a difference of 55 books? अब देखो 55 books का difference किन दो subjects के बीच में है. अगर 90 करोगे 55 नहीं आएगा, 110 और 60 करोगे 0 माइनस 0 11 माइनस 6 5 50 110 एंड 85 10 माइनस 5 10 माइनस 8 2 नाउ 110 एंड 55. सो आपको हर एक को सब्ट्रैक्ट करके देखना है, 10 माइनस 5 5 एंड 10 माइनस 5 5. सो विच टू ऑफ सब्जेक्ट हैव अ डिफरेंस ऑफ 55 बुक्स, मैथ्स एंड हिस्ट्री. राइट. नाउ आफ्टर दिस, विच टू ऑफ द सब्जेक्ट हैव 150 बुक्स इन टोटल. सो टोटल करके चेक करो किन सब्जेक्ट्स में, विच टू. लेकिन ये याद रखना सब्जेक्ट्स आपके दो ही होने चाहिए और टोटल जो आएगा बुक्स का वो 150 आएगा.
सो अब देखो 110 लोगे अगर आप, तो आपको क्या लेना पड़ेगा 40। सो 40 की तो यहाँ पे कोई भी बुक्स नहीं है, कंडीशन 150 की ही है, नॉट मोर देन नॉट लेस देन। सो नाउ 90 plus 16, सो सोशल स्टडीज एंड साइंस विच टू ऑफ द सब्जेक्ट हैव 150 बुक्स इन टोटल? सोशल स्टडीज एंड साइंस, राइट? सोशल स्टडीज एंड साइंस, क्लियर? दिस इज द S1 क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टैंड द कन्फ्यूजन विच क्रिएटेड yesterday, कि जो ये बुक्स हैं ये हाफ ऑफ बुक्स हैं जो बेटा, ये कितने बुक्स को रिप्रेजेंट कर रही है? 5 बुक्स को, राइट? नाउ S2, द फॉलोइंग पिक्टोग्राफ रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ कप केक्स सोल्ड बाय अ बेकरी ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर वीक। इफ द नंबर ऑफ द कप केक्स सोल्ड ऑन वेडनेसडे इज 32, सो देखो वेडनेसडे को जब कप केक्स सोल्ड हुए वो कितने हुए हैं? 32। एंड ऑन थर्सडे इज 28, और थर्सडे को जो हुए हैं वो कितने हुए हैं? 28। सो ऑब्जर्व द पिक्टोग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सो नाउ When you are going to observe this, देखो आपको वेडनेसडे और थर्सडे के गिवन हैं। अब अगर हम वेडनेसडे के अकॉर्डिंग चलते हैं तो आपको देखो 1, 2, 3, 4 गिवन है। सो 4 को 32 से डिवाइड करो, इट मीन्स 1 जो कप केक है आपका वो कितनों को रिप्रेजेंट कर रहा है? 8 कप केक्स को, राइट? 8 कप केक्स को। नाउ कम टू थर्सडे, यहाँ भी अप्लाई करके देखते हैं कि जो हमने ये कैलकुलेशन निकाली है वो करेक्ट है या नहीं। 8 plus 8 plus 8, 8 3 is 24, एंड ये हाफ है, हाफ 8 का हाफ कितना होता है? 4। सो 24 plus 4, 28। इट मीन्स जो हमारी कैलकुलेशन है कि जो 1 कप केक है वो 8 कप केक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज करेक्ट। सो फर्स्टली क्या करते हैं, चलो उनको नंबर्स में डिवाइड करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 7's are 56। 1, 2 जो हैं वो कंप्लीट हैं, सो 8 plus 8, 16, 16, और ये हाफ है, हाफ मीन्स 4, सो 16 plus 4, 20। ये गिवन है आपको 32, दिस वन ऑल्सो 28। नाउ फ्राइडे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, अगेन 7, सो 8 7's are 56। नाउ सैटरडे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 multiply with 8, 8 8's are 64। नाउ संडे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 8's are 72। बट देखो यहाँ पे एक हाफ भी है, हाफ मीन्स आपको क्या करना है? प्लस 4, सो 72 plus 4, 76, राइट? नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। फर्स्ट वन इज व्हाट इज द की फॉर द पिक्टोग्राफ। अब की देखो, की मैंने आपको बताया था क्या है, जो शेप जो पिक्चर आप यूज़ कर रहे हो डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए वो किसका काम कर रही है? की का। सो यहाँ पे जो शेप रिप्रेजेंट की है वो क्या है? आर यू कैन ड्रॉ लाइक दिस, 1, 2। नाउ आपको पिक्चर्स में क्या करना है बेटा, 1 ही ड्रॉ करना है, 1 equals to 8 cupcakes। देखो मैं यहाँ से फ्री हैंडेड पे ड्रॉ कर रही हूँ, आप इसको कम्प्लीटली ड्रॉ करोगे प्रॉपरली। नाउ बी क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट सेल ऑफ द वीक। सो फर्स्टली चेक करो हाईएस्ट सेल कब हुई है, 76 ऑन संडे एंड लोवेस्ट 20 आई थिंक ऑन ट्यूसडे। सो डिफरेंस बिटवीन 76 एंड 20, 76 minus 20, दैट इज 56, राइट? सो द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट सेल्स ऑफ द वीक इज 56 कपकेक्स।
cupcakes. Now C part. How many symbols should be used to represent 44 cupcakes? So देखो 44. So firstly 8 से divide करो आप. 5 cupcakes. 5 complete cupcakes and 1 half cupcake. Right? 5 complete. 5 8s are 40 or half. Half means plus 4. 40 plus 44. So 5 complete and 1 half cupcake to represent 44 cupcakes. Right? Now, D part. What is the difference between the total number of cakes sold on Monday, Tuesday and Wednesday and those sold on Friday, Saturday and Sunday? So firstly, aap total karo. Monday, Tuesday and Wednesday. Right? See, देखो Thursday हमें count नहीं करना. Only Monday, Tuesday, Wednesday and Friday, Saturday, Sunday. So, देखो 56 plus 20. 76, 76 plus 3. 32. 76 plus 32. 6 plus 2, 8. And 7 plus 3, 10. तो ये तो आपका हो गया टोटल नंबर ऑफ कपकेक्स सोल्ड ऑन मंडे ट्यूसडे एंड वेडनेसडे. डिफरेंस करना है आपको फ्राइडे सैटरडे और संडे में. सो फ्राइडे 56, सैटरडे 64 एंड दिस. नाउ ऐड ऑल दिस 56, 64 एंड 76. 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 6 16, 1 गोज कैरी. 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 6 6 plus 6, 12. 12 plus 7, 19. 196. Now, अब आपको क्या करना है? Difference find out करना है. So, 196 minus 108, that is equals to 88 cupcakes. Right? So, difference between the number of cupcakes sold on Monday, Tuesday and Wednesday and sold on Friday, Saturday and Sunday is 88 cupcakes. Right? I hope up to S2 all questions are clear to everyone. If anyone having any kind of doubt, then let me know by comments or by message. And next question we will do in the next class.